अस्सलाम वालेकुम। अगर तीनों हजरात पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम को उसकी नौकरी से निकलवाने का एक सस्ता और आसान नुस्खा आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी सरकारी मुलाजिम को निकालना है तो अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करें, एक माइक पकड़ें हाथ में, उसके दफ्तर में चले जाएं। ज़ाहिर है मिस्टर परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, 100% तो कोई भी पूरा नहीं होता। वहाँ 10 खामियाँ आपको नज़र आ जाएंगी उसके अंदर, उसके कामकाज के, उसके दफ्तर में। और उसके बाद उन खामियों पर उससे क्वेश्चन करें, उसको टीज करें, उसको बुली करें और उसको इतना इरिटेट करें कि तंग आकर वो गुस्से में आ जाए, उससे सिचुएशन हैंडल ना हो, वो आपको गालियां देना शुरू हो जाए या बदतमीज़ी हो जाए, तो बस परफेक्ट हो गया। उस वीडियो को आप सोशल मीडिया पे डालें, आपकी वीडियो मशहूर हो गई, आप दी बेस्ट सहाफ़ी बन गए और मुलाजम बेचारा जो है वो अपनी नौकरी से निकल गया या मुअत्तल हो गया या उसकी कोई इंक्वायरी लग गई। आजकल सोशल मीडिया पर आप देखते हैं एक पुलिस वाला बेचारा अपने किसी काम से जा रहा है या घर जा रहा है मोटरसाइकिल पर, पुराना उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, एक रिपोर्टर उसके मुंह में माइक दे रहा है और वो उससे सवाल पूछ रहा है और फिर वो आगे से गालियां निकाल रहा है। ये जो गालियां उसने दी हैं, और बल्कि बाद में ये हुआ है कि महकमा पुलिस ने डिक्लेयर किया कि जी ये कोई पागल है और उसकी वजह से ये सारा कुछ कर रहा है, ये जो गालियां उसने दी हैं ये क्या है? ये वो फ्रस्ट्रेशन है, ये वो डिप्रेशन है, ये वो स्ट्रेस है जो वर्क प्लेस पे थी, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो उसके बॉस के ज़रिए उस तक पहुंचती है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो उसके थाने में है। आप कभी ज़िंदगी में थाना विज़िट करें, मैंने 2 दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ है जाने का अपने एक दोस्त के काम के सिलसिले में, 2 थाने मैंने विज़िट किए हैं। इतना गंदा वहाँ माहौल होता है, इतने बुरे वहाँ हालात हैं, इतनी पुरानी मक्खी मच्छर गर्मी हबस, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ होता है, और फिर MSc पास बच्चे जो होते हैं वहाँ पे वो सब इंस्पेक्टर SHO लगे होते हैं बेचारे बैठे हुए होते हैं गंदे माहौल के अंदर, कोई उनको सहूलियात नहीं होती और ये सालों से चला आ रहा है काम और कोई उसके ड्यूटी आर्स नहीं है। कभी किसी ने इस मौजू पे बात नहीं की और कभी किसी ने ये नहीं देखा कि वो बेचारा किस परेशानी में होगा। एक सिपाही पुलिस के अंदर 2 किस्म के सिस्टम है, ASP से जो लोग आते हैं CSS करके वो तो बड़ी अच्छी सहूलियात में रहते हैं, जो नीचे वाला स्टाफ है वो बड़ी परेशानी में रहता है। फिर उसके वर्क आवर्स कोई नहीं है, उसको कोई पता नहीं है ड्यूटी आवर्स में कि मैं कितने बजे आऊँगा कितने बजे जाऊँगा। 8 बजे भी ऑन ड्यूटी है, रात के 2 बजे भी ऑन ड्यूटी है, सुबह 2 बजे भी ऑन ड्यूटी है, दोपहर को, असर को, शाम को। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं सब इंस्पेक्टर, मैंने उन्हें ऐसे ही किसी काम के सिलसिले में उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उन्हें कहा कि यार मैं मसरूफ़ था, एक फैमिली फंक्शन था। कहते हैं सर आप बड़े लकी हैं कि आप अटेंड कर लेते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर हम तो ये अटेंड ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कि 4 दिन बाद हमारे दोपहर के टाइम हमारे क्या मसरूफियत होगी या शाम के टाइम हम कहाँ होंगे। नोबडी नोज, कोई इनकी वर्क आवर्स नहीं है। तो इस स्ट्रेस परेशानी और डिप्रेशन को जब उसने रिफ्लेक्ट किया है गालियों की सूरत में और आप उसके मसाइल हल नहीं करते और आप ये नहीं देखते कि मुआशरा उसके साथ क्या कर रहा है और उसका क्या है कसूर क्या, वो हमारे रिपोर्टर साफी भाई जो पूछ रहे थे उससे कि आपकी मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, कितनी मोटरसाइकिलें हैं बाहर जिनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, कितनी गाड़ियां हैं बाहर जिनके ऊपर नंबर प्लेट फैंसी लगी हुई हैं, कितनी गाड़ियां हैं। बल्कि आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी गाड़ियां होंडा सिटी, लैंड क्रूजर्स, फॉर्चूनर, ये गाड़ियां बड़े लोगों के पास ही हैं ना, पढ़े लिखे लोगों के पास हैं। उनकी गाड़ियों के ऊपर बैक साइड जो पीछे वाली नंबर प्लेट होती है उसके ऊपर काला वो स्टिकर लगा हुआ होता है, और किस लिए लगा हुआ होता है? ताकि ये सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों में ना आ जाए, ताकि चलान ना हो जाए। उनको आप ये रिपोर्टर पूछें जाके, कभी उनको आप पूछ सकते हैं? किसी बड़े अफसर को आप कभी पूछ सकते हैं? कभी भी नहीं पूछ सकते। ये सिपाही बेचारा मिल गया, उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, आप उसके मुंह में कैमरा दे रहे हैं, और ये कहाँ की असूल हैं सहाफत के या किसी भी चीज़ के कि आप किसी बंदे को राह चलते पूछ लें और फिर उसको टीज करना शुरू कर दें? वो बेचारा किस फ्रस्ट्रेशन से आ रहा है, किस परेशानी से आ रहा है, नोबडी नोज दिस। उसका तो कोई इस बारे में कोई बात ही नहीं होती। मैं आपको आखिरी एक बात बता के बात ख़त्म करूंगा कि मेरे एक दोस्त हैं, मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में क्लास फेलो थे, वो जर्मनी चले गए उसके बाद, वो इंजीनियर है वहाँ, IT के किसी काम में बड़े एक्सपर्ट हैं और किसी कंपनी में काम करते हैं। वो जब भी आते हैं उनसे मुलाकात होती है। 2-3 साल पहले वो आए और मेरी उनसे मुलाकात हुई। गपशप के दौरान मैंने उनसे पूछा कि यार आपके वहाँ कंपनियाँ क्या फैसिलिटेट करती हैं मुलाजमों को या महकमे क्या सहूलतें देते हैं? तो काफ़ी जो चीज़ें उन्होंने बताई उनमें से एक चीज़ बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कहता है जी हमारा वर्क जो ड्यूटी आवर्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, यानी अगर 9 बजे से ड्यूटी 4 बजे तक है तो 9 से 1 मिनट पहले नहीं, बाद नहीं, और 4 के भी 1 मिनट बाद नहीं।
पूरे 4 बजे सबकी ड्यूटी जिसकी ख़त्म है फिर ख़त्म है। कहते हैं जब हम घर चले जाते हैं, जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कहते हैं अगर आपके ऑफ टाइम में आपको आपकी कंपनी, आपका बॉस, मैनेजर, इंचार्ज, कुलीग किसी कंपनी के काम या ऑफिस के काम के सिलसिले में कॉल आए या आपको ईमेल आए, तो इसकी बाकायदा इंक्वायरी होती है, पूछा जाता है कि मुलाजम को उसके ऑफ टाइम में क्यों तंग किया गया। ऑफ टाइम में उसका फैमिली टाइम, पर्सनल टाइम, लेजर टाइम था, तो उसको आपने क्यों इरिटेट किया? यहाँ तो इन चीज़ों पे तवज्जो देना तो दूर ना, उसके उसको कोई स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलती है ना, उसको अच्छा बॉस मिलता है ना, उसको अच्छी पे मिलती है ना, उसको अच्छे अलाउंसेस मिलते हैं ना, उसको बच्चों की मेडिकल कोई मिलती है ना, बच्चों की एजुकेशन कोई मिलती है। क्या उसके मसाइल हैं बेचारे के, आप उसके सामने कैमरा लेके? और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईजी साहब से और बाकी लोगों से कि खुदा का वास्ता डिफेंसिव होने की बजाय फौरी तौर पे इस तरह की किसी वीडियो पे आप भी देखें कि अगले बंदे ने क्या जुर्म किया है। दूसरे से भी जाके पूछें कि भाई आपने ये क्यों काम किया है, राह चलते एक बंदे को रोक के? किसने आपको इजाज़त दी कि आप उसकी तस्वीर बनाएं? किसने आपको इजाज़त दी कि आप उसकी वीडियो बनाएं किसी शख्स से बगैर पूछे? इंटरनेशनल और नेशनल लॉज क्या हैं? बगैर पूछे किसी की प्राइवेसी में घुसना, उसकी तस्वीर बनाना, वीडियो बनाना, हमें हमारा कानून, हमारे अखलाकियात, हमारा मजहब ये क्या सिखाता है? तो इन चीज़ों पे भी कोई पूछगिछ होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप कोई भी मुलाजम बेचारा है तो उसको तंग करो और उसके बाद उसकी वीडियो वायरल करो। इन चीज़ों पे भी गौर करने की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है कि हमारा पूरा मुआशरा जो है ना, वो सोशल मीडिया को लेकर पागल हो गया हुआ है। जिसका दिल करता है वो अपना चैनल बना के जो दिल करता है वो करना शुरू हो जाता है। इस पे खुदा का वास्ता है कि कोई हाथ हौला रखे। शुक्रिया।